अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिन हजरात ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ये बेल भी लाजमी दबाया करें ताकि फौरन पता चल सके कौन सा वजीफा आ चुका है और फिर बाद में आप लोग आराम से देख सकें। जज़ाकल्लाहु खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन सामईन, ये आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा अहम है, ख़ास तौर पर ये मर्द हजरात के लिए। इसलिए मैं वीडियो के आगाज़ में आप सब से ये कहता चलूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बग़ैर स्किप किए देखिएगा। आज मैं आपको एक ऐसा अमल बतलाने वाला हूं कि जिस मकसद के लिए शादी शुदा मर्द हजरात मुंह मांगी रकम अदा करने पर तैयार हो जाते हैं, और वो है कुव्वत इमसाक और कुव्वत बाह। अक्सर लोग शादी इसी वजह से करने से डरते हैं कि कहीं हमें रुसवाई देखने को ना मिल जाए, और अक्सर हकीम भी इसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर मरीजों की जेबें ढीली करते हैं। और जो शादीशुदा अफराद हैं वो इस मकसद के लिए टाइमिंग बढ़ाने की मुख्तलिफ दवाइयाँ, स्प्रे जो मार्केट में अवेलेबल हैं वो सब इस्तेमाल करते हैं, और उसका नुकसान क्या होता है, ये सारी दवाइयाँ और स्प्रे डायरेक्ट गुर्दों पर असर अंदाज होती हैं। मेरे हजरत ने एक ऐसा अमल बताया है जो मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ, जिसको करने से इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह बशर्ते के यकीन कामिल के साथ करेंगे, न किसी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी और न किसी हकीम की ज़रूरत पड़ेगी। मैं अब आप लोगों को अपने हजरत के अल्फाज यहाँ बताता चलूँ जो उन्होंने इस अमल के मुतालिक बताए हैं। जिस शख्स को बीवी के पास जाने में कमज़ोरी हो तो जाने से पहले यानी क़ुर्बत से पहले 71 मरतबा यानी 71 टाइम्स या मुगनी, ये सामने नज़र आ रहा है आपको, ये अल्लाह का नाम आपने इसका विर्द करना है और पढ़कर अपने पूरे बदन पर फूंक मार लें, ठीक है, हाथों पर दम करें और हाथ जो है वो पूरे बदन पर फेर लें। यकीन जाने मेरे हजरत फरमाते हैं कि ज़बरदस्त इमसाक और कुव्वत नसीब होती है। ये अमल आपने यकीन के साथ करना है। जैसे आप हकीमों की दवाइयाँ, दूसरी दवाइयाँ जो डॉक्टरों की दीवी होती हैं वो आप यकीन के साथ खाते हैं नहीं खाते, इसी तरह ये रूहानी अमल भी आपने यकीन के साथ करना है, और फिर देखें इंशाल्लाह किसी हकीम और टाइमिंग बढ़ाने वाली दवाइयों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग इस अमल से, जितने भी मर्द हजरात हैं चाहे शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा या जिनकी शादी होने वाली हो, वो इस अमल को अपने पल्लू से बांध लें और ये अमल करें, और फिर देखिएगा रिजल्ट। इंशाल्लाह आप लोग मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दुआओं से मुझे नवाजेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आज की खूबसूरत वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दीजिए इसी के साथ मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।